अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद कदीर रफानी आटो लाहौर से। प्रोलैक्स है ये 2007 मॉडल, थोड़ी सी मिसिंग आ रही है, वाइब्रेट आ रही है। इसकी हम थ्रॉटल बॉडी खोलेंगे, प्लग चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेंज करना है। इंशाल्लाह सेटिंग करके देती हूँ भाई को गाड़ी। पुराने कस्टमर हैं अपने, जानने वाले हैं। हाँ मतलब खोल रहा हूँ, ले आप फुल थ्रॉटल बॉडी लगा बात। फुल अनु फुल बोल फुल सारे है बात जो है फुल जो और उधर पटोर है फुल का भी। उसकी जो थ्रॉटल है ना प्रोलग, उसका सेंसर जो चोक है ना वो आपने करना है, इसको फ्री करना है बिल्कुल ये वाला। और इसकी जो टिक्की है वो चेक कर लेना, गैप ना हो, आरपीएम अप डाउन होते हैं। दूसरे नंबर पे जिन गाड़ियों को सीएनजी लगी होती है ना, उनका जो ऑक्सीजन सेंसर है फिल्टर के ऊपर लगा होता है। ये वाला सेंसर जो ये वाला, इसकी वायरिंग आपने चेक करनी है। इसकी वायरिंग के ऊपर टेप लगानी है आपने, अगर कोई तार मिस है तो उसको टेप नहीं लगी टेप करना है आपने, ये लाजमी करना है आपने। तो बहुत ज़्यादा कारगर होता है इसका ट्यूनिंग के अंदर, आपने ये चीज़ें गौर से चेक करनी है। मंगा यार केमिकल मंगा, मतलब थोड़ा जहा स्प्रे मार के सफाई करा। देख रहे हैं थ्रॉटल बॉडी के अंदर ना टिक्की के अंदर गैप है, फुल बंद होने की वजह से। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन मैं निकालता हूँ, अगर हल्की सी ना आप सिलिकॉन लगा देना इसके साइडों में, जेनवन पेंट हुआ होता है जेनवन, ये कवर कर देगी गाड़ी। स्लो में ना मिसिंग नहीं, स्लो में जो अक्सर गाड़ी सिर मार दी हल्की सी मिसिंग कर दी वो ख़त्म हो जाएगी, और इसका चोक सेंसर काम अच्छा करेगा। ये करते हैं अभी अब इस तरह ना ये गैप हो जाएगा बंद, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल तो जाना नहीं होता। अगर पेट्रोल गुजरेगा वो कारपेट वाली गाड़ी के अंदर से पेट्रोल जाएगा वो तो काम नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगी, वो ना निकल जाएगी। ये इंजेक्टर से पेट्रोल मिलता है तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं बढ़ना तो फिर बटर से लाजमी न्यू लगाएं, वरना अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी शॉर्ट टाइम काम कर सकते हैं। ये वाला रिंग लाजमी लगाएं, वरना इसके अंदर मिट्टी जाएगी, ये बैरंग ख़राब हो जाएगा, ये बैरंग ख़राब हो जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा। सेंसर को सेंटर में रखे टाइट करें आप, ज़्यादा एडवांस या लिटाए ना रखें सेंसर को, सेंटर में रखे करें।
लगाने के बाद आप ये पानी वाले पैप लाजमी चेक करें, लीक तो नहीं है। ये एनजीए के लगे हुए हैं, यही प्लग लगाएंगे साफ करके, वो कह रहे हैं कि यही लगा दें। वैसे ट्यूनिंग में करने चेंज ही चाहिए, देखो तो पैसों का मसला है ज़रा। फिटिंग करने लगे हैं इसका, नीचे वाला रिंग लाजमी चेक कर लें, पानी वाले पैप ख्याल से लगाएं ज़रा, तो पैप कोई लीक ना हो जाए कोई चीज़ लगने से। इसके ऊपर टेप ही नहीं हुई ये वाला ऑक्सीजन सेंसर की ये तार है ये वाली, इसको आप अच्छी तरीके से लगाएं, इसको खोलें आप। जोर भी अच्छा लगाएं पक्का करके, और इसके ऊपर ना आप टेप लगाएं, इसके ऊपर टेप लगाना है, टेप लाजमी लगाएं, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम करेगी गाड़ी। कोई भी तार आपने टेप के बगैर नहीं छोड़नी, ये चीज़ों का छोटा छोटा आपने ना इसका आपने ख्याल रखना है। ये हो गया काम, बिल्कुल स्टार्ट है, एक्यूरेट परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी ट्राई करते हैं, वो आपको सेंड करते हैं वीडियो, इसकी जो कि साउंड सुन ठीक है। इसकी आरपीएम देखें बिल्कुल ठीक है, थोड़ा कम हो जाए। हाँ जी राणा साहब, गाड़ी चला रहे हैं आप, बताएं आप कि मज़ा आया गाड़ी चलाने का ट्यूनिंग के बाद? बहुत मज़ा आया, पहले से बहुत बेहतर चल रही है और गाड़ी चलाने में बहुत रवानी है इस वक्त। पहले गाड़ी भारी भारी चलती थी, अब पिक बहुत अच्छी है गाड़ी की और बहुत ही मजे से मैं चला रहा हूँ और अच्छी लग रही है चलाने में। अब एसी के साथ आपके अप डाउन तो नहीं ना हो रहे जो पहले हो रहे थे? नहीं नहीं, वो काम नहीं कर रही जो पहले कर रही थी, पहले पिक ही नहीं थी गाड़ी की। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे पेज मेरा हो के अल्लाह हाफिज़।